हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल टेकी शोम। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक सीबीएसई का जो नया बिल्कुल अभी अपडेट आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, इस अपडेट में सीबीएसई के इस अपडेट में बताया गया है कि बच्चों को बिना पेपर पास कराने के लिए सुझाव दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किसने सुझाव दिए और ये सुझाव माने जाएंगे या नहीं, या पूरा मसला क्या है। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो में पूरे बने रहिएगा। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने सीबीएसई 2021 बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया है। सुझाव में बताया गया है कि वह परीक्षाएं मई 2021 में आयोजित कराई जाएं। फ्रेंड्स, अगर परीक्षाएं 2021 में होती हैं तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि अभी स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं और ना ही हमारी ऑफलाइन कोई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। और फ्रेंड्स, इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचरों से 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सुझाव मांगा था। इस पर जवाब देते हुए AIPA ने सुझाव केंद्रीय मंत्री को दिया है। ये सुझाव ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिया, ये सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा है कि परीक्षाएँ मई में ही हों। और गाइस, मैं आपको पूरी खबर सुनकर बताता हूँ। पूरी खबर बोलकर बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें यह भी कहा गया है कि लंबे समय से स्कूल बंद हैं। स्कूल बंद होने के कारण क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं। आप देख सकते हैं अपने सुझाव में AIPA ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल मार्च 2020 से ही बंद चल रहे हैं। ऐसे में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई काफ़ी बंधित हुई है। इन सबको देखते हुए बोर्ड की परीक्षाओं को मई 2021 में आयोजित करवाया जाना चाहिए। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट कर देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो विद्यार्थी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं या उससे छोटी क्लासेस में, उनको बिना परीक्षा पास कराने का सुझाव इंडियन पेरेंट्स एसोसिएशन ने दिया है। और फ्रेंड्स, सीबीएसई पेरेंट्स की बात तो ज़रूर मानेगा, तो आप बेशक हो जाइए। सीबीएसई 10th और 12th के पेपर मई में 100% ही होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई से नया सेशन शुरू होना चाहिए। AIPA ने शिक्षा मंत्री और सीबीएसई के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है कि जो अगला सेशन है वो जुलाई से ही शुरू होना चाहिए। AIPA ने शिक्षा मंत्री और सीबीएसई के चेयरमैन को पत्र क्या लिखा है, और इस पत्र में कहा गया है कि अन्य क्लासेस के स्टूडेंट भी जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की या नहीं की, पूरे अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। एकेडमिक ईयर 2021-22 को जुलाई 2021 से शुरू किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत बड़ा अपडेट है, और इस अपडेट से सीबीएसई को पता चल जाएगा कि पेरेंट्स की सोच क्या है। वो ज़रूर सीबीएसई के बोर्ड के पेपर 2021 के बोर्ड के पेपर ज़रूर मई में ज़रूर कराएगा, और जो अदर क्लासेस हैं उनका सेशन जुलाई में ज़रूर स्टार्ट होगा, क्योंकि पेरेंट्स की बात कौन टाल सकता है जब पेरेंट्स ने सुझाव खुद दिया है। और ये और एक बड़ी बात सामने आई है कि स्टूडेंट्स को बदलाव की जानकारी लेनी चाहिए। मतलब कि AIPA हरियाणा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कोर्स और सिलेबस में दिए गए बदलावों की जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी होना मस्ट है। अगर आपको इन सब की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अगली वीडियो आप सबको इसकी जानकारी के बारे में ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।